तो यार आप सभी के लिए मैं इस हॉस्टल तक पहुंच चुका हूं, और ये हॉस्टल मुझे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल में से एक लगा है। ठीक है, प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है और ये रेजोनेंस के तो बहुत पास है। रेजोनेंस वाले बच्चों के लिए तो बेस्ट है हॉस्टल। ठीक है, बाकी एल एन साकार वगैरह वाले बच्चे भी साइकिल से कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, आपको दिखाते हैं। चलिए, स्टेयर्स वगैरह यहाँ से एंट्री है, मेन डोर भी है दूसरा। ठीक है, ये मैं दूसरी तरफ से एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, घुसते ही हॉल वगैरह, यहाँ बच्चों की साइकिल खड़ी है, जो बच्चे एलन वगैरह के होंगे उनकी साइकिल है। एलन यहाँ से मैंने गूगल मैप करा था तो 15 मिनट की दूरी पर है केवल। ठीक है, ये एंट्रेंस है, ये आपके वार्डन है। ठीक है, ये मेरे वार्डन भी थे, पप्पू भैया हमारे। ठीक है, और दिखाते हैं आपको रूम वगैरह, खाते हैं मेरा ना, आ जाओ रूम। हाँ, रूम दिखाओ पहले। तो ये यहाँ पर रूम है ना, आप रूम का डोर देखो यार, पहले तो बिल्कुल होटल वाली फीलिंग है, बिल्कुल होटल वाली, एकदम लग्जरी एकदम। ठीक है, और ये आपके लिए यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए, अपना कुछ करना है वो सब करने के लिए बना रखा है। ठीक है, और रूम में एंटर करते हैं हम लोग, तो ये रैक है आप सभी के लिए सामान वगैरह रखने के लिए, बुक्स वगैरह। ये आपके लिए अलमीरा एक, ठीक है, और पूरी तरह बनाया, अभी चालू हुआ है, इसी साल चालू हुआ है ना बाबू ये? हाँ, तो इसी साल चालू हुआ है। बाल्टी से लेकर हर चीज़ आपको मिलेगी, है ना, होटल की पूरी। देखिए, मतलब पानी ठंडा गर्म आने के लिए मशीन लगा रखी है, और ऊपर शावर है, फिर इधर गीज़र है, और ये आपके लिए शीशा वगैरह। ठीक है, मतलब यार इस प्राइस रेंज जो मैं आपको बताऊंगा ना, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा जिसे कहते हैं। ठीक है, आपकी विंडो वगैरह, और ये जो रूम है यार, इसके अंदर आपकी वो नहीं है बालकनी। ठीक है, तो इसके आपको 1000 रुपीज़ कम मिलेंगे, और एसी है ये। ठीक है, और ये विंडो है अपनी। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से वो उजाला आता है, उजाला आता है, यहाँ पे लाइटिंग रहती है, मतलब पूरी तरीके से एकदम बेहतरीन करके बनाया गया है। चलिए, तो यार इसी हॉस्टल के कुछ बच्चों से पूछते हैं खाना वगैरह कैसा है और उन्हें कैसा लगता है। ठीक है, ये भाई मुझे बता रहे थे कि ये 5 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो पूछते हैं कैसा फीडबैक है भाई, कैसा लगता है आपको? खाना काफ़ी अच्छा है और सेहत के लिए काफ़ी सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे सादा खाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा ऑयली नहीं दिया जाता कि सेहत पे ज़्यादा असर पड़े, और बाकी अच्छा खाना है। और रूम वगैरह आपको कैसे लगे थे? रूम तो लग्जूरियस है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है पूरे कोटा का, अच्छा, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा। आपको क्या फीडबैक भाई, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ऐसा कि शुरू में आपको दे दिए हो चीज़ अच्छी, बाद में बिगाड़ दिया हो? नहीं नहीं, यहाँ पे खाना लगातार कंटिन्यू वे में बहुत अच्छा मिलता है, क्वालिटी कभी डाउन नहीं होती, और रूम का भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं। यहाँ पे वार्डन भी लगे हैं और यहाँ के मालिक भी आते हैं, बच्चों से पूछते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी चीज़ में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो कुछ स्पेशल हो गया है, रोज हमेशा ऐसा ही रहता है, मतलब हमेशा है ना? ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई इन्हें कोचिंग वगैरह जाना है तो जाने देते हैं। चलिए, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ वो रूम जिसके अंदर आपको बालकनी भी मिलेगी, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड होती है कि भैया बालकनी वाले रूम दिखाओ। तो यहाँ पे ये प्लांट वगैरह भी लगे हुए हैं थोड़े से, है ना, और ये रूम है हमारा, ये किसी बच्चे का है, अभी बच्चे ने ले रखा है किसी ने, बाकी आपको मिल जाएगा। क्यों पप्पू भैया, मिल जाएगा ना रूम? बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये अलमीरा वगैरह, सामान वगैरह, हर चीज़ आपको एकदम वेल मेंटेन मिलेगी रूम में, है ना। सेम आपका भी ऐसे ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसे बच्चे में, है ना, और अपने इसमें बालकनी भी आप लोगों के आगे ये देख सकते हो, ऊपर एसी लग रहा है। ठीक है, आप गेट बंद करो और एसी को चालू करा सकते हैं, और अपनी ये बालकनी है मस्त। ठीक है, बालकनी भी ठीक ठाक स्पेस है, बालकनी में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जरा सी बालकनी बना दी है। अच्छा लगेगा, अच्छा बाथरूम में, अच्छा तो बाथरूम के अंदर इसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा, होता क्या है बाथरूम में गर्मी हो जाती है ना जब नहा के निकलते हैं, तो फिर उस हिसाब से एग्जॉस्ट की भी सुविधा है, मतलब ऑल ओवर आप लोगों के लिए कंफर्ट के लिए पूरा काम किया गया है। और अब यही है, आपको दिखाता हूँ मैं फूड कैसा है यहाँ का, है ना, बाहर देख लीजिए बालकनी से सब दिखता है मस्त एकदम, मतलब आपको पढ़ाई से स्ट्रेसफुल है, बालकनी में आए अपना आराम करा, और आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो पप्पू ऐसे कह सकते हो, हमारी भी तबीयत ख़राब होती थी, अपने पप्पू या अपनी गाड़ी वाड़ी लेके तुरंत हमें ले जाया करते थे, मतलब फील नहीं होते नहीं देते थे, जब तक ये हैं जब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप दिखाते हैं आपको खाना वाना क्या है, पप्पू या चले खाना दिखाते हैं बच्चों को। मैं ऐसे अंदर, हाँ थोड़ा सा आवाज़ होगी, बच्चे खाना भी खा रहे हैं अपने, तो ये भी है, मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल तो रहता है ये बच्चों का यहाँ पर,
खाने वगैरह के आपको दिखाऊंगा, पूछवाऊंगा कैसा है। और ये टेबल वगैरह है, यहाँ आपकी रोटी प्लेट वगैरह साफ होती है। और खाना दिखाते हैं आपको कहाँ बनता है, आ जाओ भैया। तो ये खाना बन रहा है सबके लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो सफाई भी ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना बनता है जहाँ जनरली सफाई नहीं होती इतने सारे बच्चों का, लेकिन यहाँ पर सब कुछ साफ सुथरा है। तो आपको बात कराता हूँ उनसे जो यहाँ पे खाना बनाते हैं, ठीक है। ये रोटी है, ये हमारे कुक हैं, ठीक है, ये खाना बनाते हैं शंकर भैया हमारे। जब मैं पढ़ता था तब भी यही खाना बनाते थे, है ना। थोड़ा आपको शंकर भैया से पूछते हैं क्या है, ठीक है बताओ भैया। हमें कह रहा हूँ कि नहीं, मतलब डॉक्टर साहब यहीं खाना खाते हैं और उनका खुद का हॉस्टल ही है और चार पांच डॉक्टरों का उनका खाना जाता है। और गेहूँ है जो मार्केट से लेके आके घर पे नुका के पिसवाते हैं, मशीनें घर की, और साफ़ सुथरा भी एक नंबर रखते हैं कि नहीं। मतलब सब्जियाँ भी एकदम फ्रेश आती है, ऐसी उसी सब्जियाँ लेके नहीं आते हैं। टमाटर देखो आप, मिर्ची देखो, लौकी देखो, सब कुछ, खीरा देखो, हाँ, और रोटी खाना। अगर रोटी की बात करें तो रोटी भी देख लो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी हम ऐसे ही कह रहे हैं, सब्जी आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल पैकिंग में हाइजीन एकदम। और यहाँ फ्रीज़र है सब कुछ ठंडा वंडा रखने के लिए, फ्रिज वगैरह है, ठीक है। इतनी सारी फैसिलिटी के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ प्राइस रेंज तो चल रही होगी। हॉस्टल में एसी है, वाईफाई है और सब कुछ है, ठीक है। पूरी तरीके से आपको सिक्योरिटी दी जाती है। और आपकी हेल्थ वगैरह कोई इशू रहता है तो हमारे वार्डन पप्पू भैया हैं, काम में लग रहे हैं वो अपने। तो यार आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ प्राइस रेंज आई होगी, ठीक है। कुछ बच्चे 9000 सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा है तो 10000 में मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, हॉस्टल होंगे बेस्ट और प्राइस तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको जो रूम मिलेगा वो 8000-9000 वाला रूम है जो कि बिना उसका है बालकनी का, वो आपको 7.5 तक में मिल जाएगा, ठीक है। और बालकनी वाला रूम 8.5 हज़ार रुपये मिल जाएगा, मतलब यार बेस्ट रूम है। एक बार अगर आपने ले लिया हॉस्टल तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा भाई, मतलब नहीं भैया कोई बात नहीं। वैसे कैसा माहौल है, मतलब पढ़ाई के लिए आपको एनवायरनमेंट कैसा लगता है हॉस्टल का? भैया अभी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मैं 1 वीक पहले ही आया हूँ यहाँ पे और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो पा रही है। घर में तो एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता था, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ तो हमारे पास मतलब दिन में लगता है कि समय ही समय, हमें कुछ करना नहीं है। मैस अपना काम करता है, हमें खाना है और सिर्फ पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, खाना भी तो वही बना रहे हैं, तो सिर्फ हमें पढ़ने का काम है और अपने पास मतलब बहुत सही है, बहुत टाइम मिलता है। लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, माँ को डर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, वो तो हर जगह आपको मिलेगा ऐसा तो, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है जितना मैंने देखा, ऐसा यहाँ इस हॉस्टल में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ठीक है ठीक है। तो रिव्यू आपको मैंने बच्चों से ही दिलवाए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहा हूँ। खाना मैंने भी खा के देखा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, सही बता रहा हूँ। मेरे हॉस्टल से भी ज़्यादा अच्छा खाना यहाँ पर था, तो खाना अच्छा है और हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। और अगर अब आप लोगों को इस हॉस्टल को चाहिए तो मेरे को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया मेरे को ये हॉस्टल चाहिए, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल करी जा सकती है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको हॉस्टल मिल रहा होगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।